हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्विफ्ट एक स्मार्ट में। लास्ट मंथ अमेजोन की प्राइम डे सेल आई थी और उसमें काफी सारे डिस्काउंट्स देखने को मिले थे और मुझे पता है काफी सारे यूजर्स ने लैपटॉप्स भी परचेज किए हैं। और आज अमेजोन की ग्रेट फेस्टिवल सेल स्टार्ट हो चुकी है और इस सेल में भी आपको काफी सारे भर के डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स बने रही, वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। देखो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में जो आपको बेस्ट लैपटॉप सजेस्ट करने वाला हूँ वो मैंने सभी यूजर्स को ध्यान में रखते हुए ही बेस्ट लैपटॉप सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ 15 के बारे में। कई यूजर्स ऐसे हैं जिनका बजट 25,000 का ही है और इस बजट में मुझे ये लैपटॉप बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लगा। इसमें मिल जाता है AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर है, 8GB की रैम लगी हुई है, 512GB की SSD मिल जाती है और AMD Radeon के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले लगी हुई है। जनरली इस लैपटॉप की प्राइस रहती है 28,000, लेकिन इस सेल में आपको ये 26,000 के बजट में मिल रहा है। तो बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। और अगर आप बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हो 2000 के आसपास तो आप HP के इस लैपटॉप के लिए भी जा सकते हो। मॉडल है HP 15EQ2143AU। देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं Ryzen 3 5300U प्रोसेसर लगा हुआ है, 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD लगी हुई है, 15.6 इंच की फुल HD आपको डिस्प्ले मिल जाएगी और अच्छी बात इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। सारे एसेसरीज पोर्ट्स के साथ ये लैपटॉप आता है और AMD Radeon के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। जनरली इस लैपटॉप की प्राइस रहती है 31,000, लेकिन इस सेल में आपको काफी भर के डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। ऑफर्स डिस्काउंट काटने के बाद में ये लैपटॉप आपको 28,000 के बजट में मिल जाएगा। तो इस बजट में आप इस लैपटॉप के लिए भी जा सकते हो। और कई यूजर्स ऐसे हैं जिनको इसी बजट में मेटल बिल्ड के साथ लैपटॉप चाहिए लेकिन ट्रस्टेड ब्रांड होना चाहिए, तो मैं बताने जा रहा हूं Acer Aspire Lite 15। देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा i3 13th generation, 8GB की रैम लगी हुई है, 512GB की SSD मिल जाती है और Intel USD के ग्राफिक्स मिल जाते हैं और सारे एसेसरीज पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और मुझे अच्छी बात ये लगी, इतने कम बजट के लैपटॉप में मेटल बिल्ड मिल रही है और फुल HD डिस्प्ले आपको मिल जाती है और सारे एसेसरीज पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की जनरली प्राइस रहती है 33,000, लेकिन इस सेल में ये लैपटॉप आपको 27,700 रुपीज में मिल रहा है। तो बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए भी जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप मैं उनको सजेस्ट करने जा रहा हूँ जिनको बिग डिस्प्ले चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ Asus VivoBook 16 की। देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको i3 12 15U प्रोसेसर मिल जाता है, 8GB की रैम लगी हुई है, 512GB की SSD मिल जाती है और Intel USD के ग्राफिक्स मिल जाते हैं और इस लैपटॉप में सारे एसेसरी स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और साथ ही वेबकैम में आपको प्राइवेसी शटर भी मिल जाता है। 16 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम मिल जाता है। इस लैपटॉप की जनरली प्राइस रहती है 35,000, लेकिन अभी ऑफर सेल में ये लैपटॉप आपको 31,490 रुपीज का मिल रहा है। तो अगर आपको बड़ी डिस्प्ले के साथ लैपटॉप चाहिए और बजट यही है तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। इसी सेम बजट में अगर आपको 16GB रैम के साथ कोई लैपटॉप चाहिए तो मैं बात कर रहा हूँ HP 15EQ2182AU की। इसमें मिल जाता है AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर है, 16GB की DDR4 रैम लगी हुई है, 512GB की SSD मिल जाती है और AMD Radeon के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इस लैपटॉप में भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, सारे एसेसरी स्पोर्ट्स दिए हुए हैं और इस लैपटॉप की जनरली प्राइस रहती है 41,000, लेकिन अभी ये सेल में ये लैपटॉप आपको 33,419 रुपीज में मिल रहा है। तो बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। और फ्रेंड्स, अब जो मैं नेक्स्ट लैपटॉप आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं, मुझे खुद को भी कभी कभी बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने सारे डिस्काउंट्स कोई लैपटॉप पे मिल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं डेल वोस्ट्रो 3420 की। यह आता है इंटेल कोर i3 12 15U प्रोसेसर के साथ है, 8GB की रैम लगी हुई है, 512GB की SSD मिल जाती है, इंटेल USD ग्राफिक्स दिए हुए हैं और इस लैपटॉप में सारे एसेसरी स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। 14 इंच की फुल HD WEA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC कलर गैमट है और फ्रेंड्स, बिल्ड क्वालिटी भी इस लैपटॉप की काफी अच्छी मिल जाती है और इस लैपटॉप में भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है। इस लैपटॉप की जनरली प्राइस रहती है 34,000, लेकिन अभी ऑफर सेल में यह लैपटॉप आपको 28,490 रुपीज का मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, 28,000 के बजट में और वो भी डेल का लैपटॉप और i3
1250 न्यू प्रोसेसर के साथ है। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि इस बजट में आप बिना किसी डाउट इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ HP 15 FD 0006 TU। देखो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ ये आता है i3 1315U प्रोसेसर है। 8GB की रैम लगी हुई है, 512GB की SSD मिल जाती है और इंटेल USD के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ इस लैपटॉप में भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है और साथ ही 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। सारे एसेसरीज पोर्ट्स दिए हुए हैं। ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। मैंने इस लैपटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। जनरली इस लैपटॉप की प्राइस रहती है 43,000, लेकिन अभी ऑफर सेल में ये लैपटॉप लिस्टेड हुआ है 39,970 रुपीज का। और अगर आप SBI का डिस्काउंट ले लेते हो इस लैपटॉप पे तो ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 35,720 रुपीज में। तो इस बजट में बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए भी जा सकते हो। और इसी सेम स्पेक्स के साथ 14 इंच में भी लैपटॉप अवेलेबल है जो अभी HP ने रिसेंटली में लॉन्च किया है, GR00000TU। अभी रिसेंटली में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है। सेम स्पेक्स इस लैपटॉप में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जनरली इस लैपटॉप की प्राइस रहती है 40,000, लेकिन अभी इस ऑफर सेल में ये लैपटॉप आपको 35,720 रुपीज में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख लेना, आपकी रिक्वायरमेंट 14 इंच की है तो आप इसके लिए जा सकते हो और 15 इंच की नीड है तो आप उस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। दोनों ही लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ जिनका बजट है 50,000 और लेकिन इस सेल में आपको 40,000 में लैपटॉप मिल जाए तो कहना ही क्या है। मैं बात कर रहा हूँ ASUS VIVOBOOK 15 की। इसमें मिल जाता है इंटेल कोर i5 12500H प्रोसेसर है। और फ्रेंड्स मैं आपको और वीडियो में बोलते रहता हूँ कि यू और पी के कंपेरिजन में एच प्रोसेसर की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। 8GB की रैम लगी हुई है, 512GB की SSD मिल जाती है और इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है और के लिए वेबकैम में प्राइवेसी शटर मिल जाता है। और ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, फुल साइज बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड दिया हुआ है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। जनरली इस लैपटॉप की प्राइस रहती है 50,000 से अबव, लेकिन अभी इस सेल में ये लिस्टेड हुआ है 46,000 में। और अगर आप SBI का डिस्काउंट लगा लेते हो तो ये लैपटॉप आपको 41,740 रुपीज में मिल रहा है। फ्रेंड्स इस बजट में i5 12500H प्रोसेसर के साथ ये लैपटॉप आ रहा है, बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। और इसी सेम बजट में कई यूजर्स ऐसे भी हैं जिनको गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो उनका भी मैंने ध्यान रखा है। मैं बात कर रहा हूँ लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 की, जिसमें मिलता है AMD राइजन 5 5500U प्रोसेसर और RTX 2050 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है। देखो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूँ इस लैपटॉप में आप प्रोडक्टिविटी टास्क के साथ साथ गेमिंग भी कर पाओगे। मैंने इस लैपटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू चैनल पे अपलोड कर रखा है। 8GB की DDR4 3200MHz की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD लगी हुई है और आप इन फ्यूचर में स्टोरेज को अपग्रेड भी कर पाओगे। साथ ही इस लैपटॉप में फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है और काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। 15.6 इंच की 1080p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले जिसकी ब्राइटनेस 300 nits और 45% NTSC कलर गैमट है। ओवरऑल फ्रेंड्स बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है और इस लैपटॉप की जनरली प्राइस रहती है 47,000, लेकिन इस सेल में ये लैपटॉप लिस्टेड हुआ है 45,000 में और ऑफर सेल पे ये लैपटॉप आपको 42,220 रुपीज में मिल जाता है। तो इस बजट में आप प्रोडक्टिविटी टास्क के साथ साथ गेमिंग भी कर पाओगे, तो बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए भी जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप में जो आपको बता रहा हूं ये उन यूजर्स को टारगेट करता है जिनको हाई स्टोरेज चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं HP Pavilion EH1047AU की। मैंने इस लैपटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। इसमें मिलता है AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर है, 16GB की रैम मिल जाती है, 1TB की SSD मिल जाती है और सारे एसेसरीज पोर्ट्स के साथ ये लैपटॉप आता है और काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 nits की ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर गैमट है और इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट भी मिल जाता है। ओवरऑल इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी और
परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इस लैपटॉप की जनरली प्राइस रहती है 54,000 और इस सेल में ये लैपटॉप लिस्टेड हुआ है 50,000 में और ऑफर सेल चल रही है, तो ऑफर लगाने के बाद में ये लैपटॉप आपको 45,240 रुपीज में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस बजट में बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो और आपको बताइए कि एचपी की सर्विस काफी अच्छी मिल जाती है। नेक्स्ट लैपटॉप भी मैं एचपी का ही सजेस्ट करने जा रहा हूँ, एचपी 15FY5009TU। यह आता है i5 12 35U प्रोसेसर के साथ है, 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD लगी हुई है और इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स मिल जाता है और सारी एसेसरी स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस लैपटॉप में 15.6 इंच के फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, फुल साइज का बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है, ओवरऑल इस लैपटॉप में सारे एसेसरी स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं। जनरली इस लैपटॉप की प्राइस रहती है 50,000 से अबव, लेकिन इस सेल में ये लैपटॉप लिस्टेड हुआ है 51,000 में। और फ्रेंड्स इस लैपटॉप पे ऑफर्स देखो आप, जैसे आप SBI का कार्ड लगाओगे तो 7,500 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो डिस्काउंट काटने के बाद में ये लैपटॉप 43,700 रुपीज में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप इस लैपटॉप के लिए भी जा सकते हो। नेक्स्ट गेमिंग लैपटॉप सजेस्ट करने जा रहा हूं, जो अभी एसर ने रिसेंटली में लॉन्च किया था और काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है, i5 12 450H सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है और मैं आपको वीडियो में बोलते रहता हूं कि यू और पी के कंपैरिजन में एच प्रोसेसर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD लगी हुई है और इसमें NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। देखो फ्रेंड्स ओवरऑल इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और फ्रेंड्स मुझे इस लैपटॉप की सबसे अच्छी बात यह लगी, मेटल बिल्ड के साथ ये लैपटॉप आता है। जनरली गेमिंग लैपटॉप मेटल बिल्ड मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ प्रोवाइड करवा रहा है एसर है। ये लैपटॉप फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, लेटेस्ट वाईफाई 6 मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है। ओवरऑल देखो फ्रेंड्स जिस प्राइस पे ये लैपटॉप आ रहा है आप इसके लिए जा सकते हो। जनरली इस लैपटॉप की प्राइस रहती है 58,000 है, लेकिन अभी ऑफर सेल में ये लिस्टेड हुआ है 52,000 में और जैसे ही आप कार्ड का डिस्काउंट लगाओगे तो ये लैपटॉप आपको 48,000 के बजट में मिल जाएगा। इस बजट में आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ, ये अमेजोन की प्राइम डे सेल पे भी काफी ज्यादा सेल हुआ था और इस सेल में भी आपको काफी बर्बर के डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेनो आइडिया पैड स्लेम 3 की, जिसमें लगा हुआ है लेटेस्ट इंटेल कोर i7 है 13620H प्रोसेसर है और फ्रेंड्स ये जिस प्राइस पे आ रहा है आगे मैं आपको बताऊंगा। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD लगी हुई है और काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 300 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है, सारे एसेसरी स्पोर्ट्स दिए हुए हैं, बिल्ड क्वालिटी आपको काफी शानदार देखने को मिल जाती है, लेटेस्ट वाईफाई 6 मिल जाता है और 47 Wh की बैटरी लगी हुई है, तो आपको बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा मिल जाएगा। देखो ओवरऑल फ्रेंड्स ये लैपटॉप काफी अच्छा है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है और जिस प्राइस पे ये लिस्टेड है अभी ऑफर सेल में ये लिस्टेड हुआ है 60,000 में और जैसे ही आप कार्ड का डिस्काउंट लगाओगे तो ये लैपटॉप आपको 56,740 रुपीज में मिल रहा है। इस बजट में IPS डिस्प्ले और i7 13620H प्रोसेसर है, 16GB की रैम, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी, डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी, तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ ये मोस्ट ऑफ द सेलिंग लैपटॉप है, HP Pavilion EG3027TU। देखो फ्रेंड्स इस लैपटॉप में आपको इंटेल कोर i5 1340P प्रोसेसर मिल जाता है, 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD लगी हुई है और 15.6 इंच के फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, फुल साइज का बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है, बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है और सारे एसेसरी स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है। ओवरऑल देखो फ्रेंड्स मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस बजट में ये लैपटॉप आ रहा है आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। इस लैपटॉप की जनरली प्राइस रहती है 70,000, लेकिन अभी ऑफर सेल में ये लैपटॉप लिस्टेड हुआ है 66,000 में और जैसे ही आप SBI का कार्ड लगाओगे तो ये लैपटॉप आपको 63,740 रुपए में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मेरा ओपिनियन यही है कि आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप उन ऑडियंस को टारगेट करता है जिनको सैमसंग के लैपटॉप पसंद आते हैं, तो मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 की। अभी मैंने रिसेंटली में रिव्यू किया था, i5 13 35U प्रोसेसर के साथ आता है, 16GB की रैम लगी हुई है,
512 GB की SSD मिल जाती है और 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले है, 300 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है, फुल साइज का बैकलेट कीबोर्ड दिया हुआ है, सिक्योरिटी के लिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। जनरली इस लैपटॉप की प्राइस रहती है 65,000 है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूँ फ्लिपकार्ट पे जब भी सेल आती है, और अभी रिसेंटली में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सेल चली रही है, तो ये सेल में आपको आराम से 50,000 के बजट में मिल जाएगा। 50,000 के बजट में IPS डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, और अगर आपको सैमसंग के गैजेट्स पसंद है तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। लिस्ट का लास्ट लैपटॉप सजेस्ट करने जा रहा हूँ जो अभी ASUS ने रिसेंटली में लॉन्च किया है, ASUS TUF A15, और आपको पता ही होगी कि TUF की बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार देखने को मिल जाती है। ये लैपटॉप लेटेस्ट स्पेक्स के साथ आता है, AMD Ryzen 7 है, 7435HS, 16 GB की DDR5 है, 5600 MHz की रैम लगी हुई है, तो आप इन फ्यूचर में रैम को अपग्रेड कर सकते हो, 512 GB की SSD मिल जाती है, रैम और स्टोरेज को आप इन फ्यूचर में अपग्रेड कर पाओगे, फुल साइज का RGB बैकलेट कीबोर्ड दिया हुआ है, ड्यूरेबिलिटी काफी शानदार देखने को मिल रही है और बिल्ड क्वालिटी काफी ओसम मिल जाती है, और इसमें डेडिकेटेड GPU मिल जाता है NVIDIA GeForce RTX 3050 जिसकी TGP है 75W है। देखो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूँ ग्राफिक्स काफी शानदार देखने को मिल जाता है और काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है, 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और साथ ही 144Hz की रिफ्रेश रेट भी दी हुई है, तो जब गेमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस काफी नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। देखो फ्रेंड्स अभी रिसेंटली में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है और इसकी प्राइस है 68,000 है, जैसे यहाँ पे SBI का कार्ड इस पे लगाओगे तो ये लैपटॉप आपको 63,000 के अंडर में ही मिल जाएगा, तो इस बजट में मुझे ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। तो इसमें एक और वेरिएंट आता है 2050, आप अपने बजट के हिसाब से दोनों ही लैपटॉप्स में से जो आपको बेस्ट लगे आप उसके लिए जा सकते हो, इन सारे लैपटॉप्स के बेस्ट वाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यही थे बेस्ट लैपटॉप जो भी मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, और इन लैपटॉप्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।